नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुलचे। मैं कुलचे एक बार बनाई थी, दोबारा मैं बनाने जा रही हूँ। अब आप लोग बताना कि कैसा बना है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है और ये मैंने लिया है जैसे आप देख पा रहे हैं, आटे को मैंने अच्छे से इसका डो बना दिया है। अब मैं इसको कम से कम 40 से 45 मिनट ढक के रखूंगी। उसके बाद आप बने रहिए, मैं इसे बना के आऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आटे को कम से कम 40 से 45 मिनट अच्छे से इसका डो बना के रखा था। अब मेरा आटा एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं भटूरे बनाने, बने रहिए आप मेरे साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा डो एकदम फर्स्ट क्लास बन के रेडी है। अब हम चल रहे हैं कुलचे बनाने, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं कुलचा बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ये अच्छा सा एक इतना बड़ा लोहिया ले ली हूँ। अब मैं इसको एकदम अच्छे से हाथ से गोल बना लूँगी। यहाँ पे मैंने चकला ली हूँ। और ये एक स्पेशल मसाला है कुलचे का, क्योंकि कुलचे का मैंने मसाला बना के रखा था। इसको बनाने से बहुत ही टेस्टी, बहुत बेहतर होता है। तो हल्का सा ये मसाला भी डालूंगी। और राई मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको बेलूंगी, आप देख सकते हैं मैंने कुलचे को अच्छे से एकदम प्यार से इसको बेल दिया है। कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कुलचा कच्चा रह जाएगा, इसलिए आप इसको इस तरह से बेल लीजिए। यहाँ पे मैंने तवा रखा है। अब मैं इसको उठा करके आराम से तवे पे डाल दूंगी। उसके बाद हल्का सा पानी मैं तवे पे डालूंगी। हल्का सा पानी तवे पे डाल दिया और मैं इसको एक मिनट के लिए ढक दूंगी। अब मैं इसको हटा दिया और मैं इसको आराम से एक बार पलट देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें तेल लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया। अब मैं इसमें तेल लगाऊंगी। तेल मैं इसमें हल्का सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा तेल नहीं लगाना है इसमें, बस थोड़ा सा तेल ताकि हर जगह फैल जाए। आप बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, जो आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें तेल लगाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुलचे बना दिया है।